नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कपिल काटपाल। स्वागत है आप सभी का मेरे डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। उम्मीद करता हूं आप इस सेशन को डेली फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, और इसी तरह फॉलो करते रहेगा डेफिनेटली आपके करंट अफेयर सेक्शन में 90% तक स्कोर कर सकते हैं, अगर आप बशर्ते अच्छे से रिविज़न करें तो। आज के सेशन की शुरुआत करते आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आखिरी साल के आखिरी दिनों में आप अपने तैयारी को रोक के नहीं रखे होंगे, है ना, वेट नहीं कर रहे होंगे कि नया साल आएगा तो अपनी तैयारी को हम शुरू करेंगे। खैर, अब 2 दिन रह चुके हैं, अपनी जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी यादें हैं, उनको पीछे छोड़ते हुए नए साल में जाने का मौका आ चुका है। नए साल में एक नया जोश जरूर होता है शुरुआत में, और फिर धीरे धीरे वो जोश ठंडा होता रहता है और पूरा साल पता ही नहीं कब बीत जाता है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए अपने इस समय को, जो कि बहुत ही ज़्यादा कीमती है, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, और खुद समय को यहाँ पर एक काबू में रखिए, और बहुत ही जल्दी आप लोग अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाओगे, है ना। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। @KKartpal सर्च करेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आपको मेरा चैनल मिलेगा, जहाँ पर आपको मेरी क्लासेस की अपडेट्स एंड PDF सब मिल जाएंगी। माइक को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पहली खबर आई है यूपी से। उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर हाल ही में शुरुआत की है शुरुआत के साथ उन्होंने किया है ई शुरुआत, और यह ई शुरुआत है हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की इनके द्वारा शुरुआत की गई है। अब यह हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, ये 22 स्टेट मेडिकल कॉलेज में ओपन किया गया है, स्टार्ट किया गया ई शुरुआत। ये जो बेसिकली ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, ये पेशेंट्स को यहाँ पर डॉक्टर्स के साथ जो मुखातिब करना है, जो उनको मिलवाना है, पेशेंट्स को डॉक्टर्स की ज़रूरत है, उसको और आसान करने के लिए किया गया है। इसमें क्या चीज़ है, ये चीज़ में सबसे पहले पेशेंट्स को एक ऐप डाउनलोड करनी है, यहाँ पर ई शुरुआत HMA सॉफ्टवेयर फ्रॉम देयर एंड्रॉयड फ़ोन प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन होगी यहाँ पर आपकी। एंड सेकेंडली, बाय रजिस्टरिंग थ्रू सॉफ्टवेयर पेशेंट्स विल बी सेव्ड फ्रॉम द इनकन्वीनियंस कॉज्ड एट द काउंटर। काउंटर पे आप जाते हैं, पर्ची वर्ची कटवाते हैं, तो वैसी कोई जरूरत नहीं, आप वहीं पर ही एप्लीकेशन के थ्रू ही अपना पेमेंट कर सकते हैं और इवन अपने लिए रजिस्टर कर सकते हैं। थर्डली, द सॉफ्टवेयर विल ऑल्सो टेल विच डॉक्टर्स विल बी अवेलेबल इन द हॉस्पिटल, उस दिन कौन सा डॉक्टर अवेलेबल रहेगा। चौथा, पेशेंट्स विल बी एबल टू पे द फीस ऑनलाइन थ्रू एनी मीडियम लाइक द UPI नेट बैंकिंग। तो ये एक HMIS एप्लीकेशन जो है ई शुरुआत नाम की बेसिकली है ये प्रोग्राम। इसको यहां पर शुरुआत किया है, कहां पर, यूपी में शुरुआत किया गया। यूपी में 22 मेडिकल कॉलेज में यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। आपको जिस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, देखना है कौन सा डॉक्टर अवेलेबल है, उस डॉक्टर को क्लिक करके उसके साथ उसकी फीस पे करके आप यहां पर रजिस्टर हो जाएंगे। आपको अगले दिन अगर आपको जाना है वहां पर दिखाने के लिए डॉक्टर को, तो आपको किसी तरह की लाइन या काउंटर पे वेट नहीं करना पड़ेगा। आप सीधा यहां पर जो भी आपका नंबर तय समय आपको दिया जाएगा उस एप्लीकेशन पे, उस तय समय पर आप पहुंच जाइए और आप यहां पर डॉक्टर से मुलाकात कर सकते हैं। ये शुरुआत की गई है ई शुरुआत नाम की यूपी गवर्नमेंट के द्वारा 22 मेडिकल कॉलेज में। कितने कॉलेजेस में? 22 मेडिकल कॉलेज ने। किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है। यह क्या कहलाता है? ई शुरुआत। बेसिकली किससे रिलेटेड है? HMIS, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इसको कहा गया है। इसके अलावा इसमें और क्या है? इसके अलावा हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हैज बीन इंप्लीमेंटेड इन दीज कॉलेजेस। इनमें से कुछ जगहों के नाम यहां पर आपके दे रखे हैं, जो जगहें हैं जहां पर दे रखा है, जहां पर यह शुरुआत हुई है। आई डोंट थिंक ये आप याद कर पाओगे और रिटेन कर पाओगे। याद तो कर लोगे लेकिन रिटेन नहीं कर पाओगे, तो याद कर लिया जाए लेकिन रिटेन ना कर पाए तो उसका क्या फायदा। तो देख लेना, नीचे वाला पैराग्राफ आपको याद होता है तो वेल एंड गुड है, नहीं याद रख पाते तो कोई बात नहीं, ऊपर वाले जितनी इंफॉर्मेशन मैंने बताई है उसमें कहीं पर भी कोताही मत बरतना। वो एक एक इंफॉर्मेशन आपको टिप्स पे होनी चाहिए, आपके दिमाग में छपी हुई होनी चाहिए। राइट, ओके। इस अच्छा ई सुश्रुत है, ओके सॉरी,
ठीक है, मैं गलती से शुरुआत बोल रहा था, इट्स ई सुश्रुत, सुश्रुत। अच्छा, वो जो चिकित्सक थे हमारे हिस्टोरिकल, मतलब पुराने जमाने में, जिन्होंने शुरुआत की थी आपकी मेडिकल की, सुश्रुत, आपने भी स्कूल में पढ़ा होगा, तो ये ई सुश्रुत है। सॉरी, मैंने गलत बताया, एंड थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। दिस इज द ई सुश्रुत, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। कई बार हम एक धारणा बना लेते हैं ना एक शब्द के बारे में या किसी भी पर्सन के बारे में भी, कि ये पर्सन ऐसा ही होगा, हम फिर उसी लीक पर चलते रहते हैं, चाहे वो पर्सन कैसा भी हो, चाहे वो पर्सन अपने आप में तब्दीली ला चुका हो या कोई भी चीज कर चुका हो, अपडेट अपग्रेड कर चुका हो अपने आप को, लेकिन वो धारणा बन जाती। वैसे ही जब ये कंटेंट बना रहा था तभी से मैंने इसको ई शुरुआत पढ़ लिया था, तो तब से लेकर अब तक मैं इसको ई शुरुआत ही पढ़ रहा था। खैर, ये सुश्रुत है जो कि एक चिकित्सक थे काफी फेमस, उन्हीं से संबंधित यहां पर ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट से जुड़ी हुई एक खबर आती हुई। आगे चलते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी जो कि हमारे देश की प्रधान सॉरी राष्ट्रपति हैं, इन्होंने नींव रखी है आपकी कुछ प्रोजेक्ट्स की, और ये इनमें से एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कह लीजिए, टेंपल कह लीजिए, दो टेंपल्स तेलंगाना में, जिनमें से एक है डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिमेज फैसिलिटीज एट दी भद्राचलम ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, जो कि श्री सीता रामचंद्र स्वामी वारी देवस्थानम भद्राचलम, जो कि तेलंगाना में है। एक तो इसकी यहां पर नींव रखी है, दूसरी उन्होंने जो नींव रखी है वो रखी है तेलंगाना का ही एक और टेंपल है, जो कि है डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिमेजेस एंड हेरिटेज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि रुद्रेश्वर टेंपल तेलंगाना में है। तो ये दो लोकेशंस हैं जहां पर टेंपल्स हैं, काफी फेमस टेंपल हैं ये दो तेलंगाना के, इन दोनों को यहां पर आपका नींव रखी गई है, और ये नींव रखी गई है प्रोजेक्ट प्रसाद के तहत। प्रसाद प्रोजेक्ट आपका ये ऐसा एक स्कीम थी जो कि हमारे देश की सरकार के द्वारा 2014-15 में लॉन्च की गई थी। तब इसका नाम क्या रखा था, तब इसका नाम था प्रसाद, पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। लेटर ऑन इसका नाम क्या कर दिया था, लेटर ऑन इसका नाम कर दिया था क्या था यहां पर प्रसाद, प्रसाद कर दिया गया था, ये कर दिया था, दैट पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। ओके, सो ये नाम इसका यहां पर नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, ये इसका नाम रख दिया गया था यहां पर। ये पहले प्रसाद था, फिर ये प्रसाद हो गया 2017 में, ठीक है, नाम तब्दीली की गई थी स्कीम की। ये स्कीम बेसिकली क्या है, ये स्कीम जितनी भी हमारी पिलग्रिमेज साइट्स हैं, तीर्थ स्थल हैं, टेम्पल्स हैं, उनको यहां पर रेनोवेट, उनको अपग्रेड करना, उनको नया बनाना, नया रूप देना, ये आपकी इस प्रसाद स्कीम के तहत ये एक इनिशिएटिव लिया जाता है। उसी प्रसाद स्कीम के तहत हमारे देश की राष्ट्रपति जो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने हाल ही में तेलंगाना में दो मंदिर जो हैं उनको, उनकी नींव यहां पर रखी है, उनको अपग्रेड करने की नींव रखी है कह सकते हैं। और ये जो दो टेंपल हैं, पहला है भद्राचलम में और दूसरा है रुद्रेश्वर टेंपल तेलंगाना, दोनों के दोनों तेलंगाना में है। तो आपको यहां पर दोनों के दोनों नाम याद रखने हैं, प्रसाद प्रोजेक्ट याद रखना है, ये प्रसाद का पूरा नाम याद रख लीजिएगा, प्रसाद का पूरा नाम क्या है और कब ये स्टार्ट हुआ था और कब इसका नामकरण हुआ था, मतलब चेंज नाम कब हुआ था। अब आप में से हो सकता है किसी पर्सन को ये भी लगे कि सर फुल फॉर्म तो दोनों के सेम है, सेम नहीं है बच्चे, ये देखो लिखा हुआ है नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज, इसमें नेशनल मिशन नहीं है, ओके, और इसमें एच था लेकिन प्रसाद में एच नहीं आ रहा था, तो इसलिए इन्होंने इसको चेंज कर लिया, उसकी फुल फॉर्म के अनुसार उसका एक्रोनियम कर दिया, ठीक है। जरूरी नहीं है कई बार नाम चेंज किया जाए, उसका एक्रोनियम बदला गया है, नाम वही है। अगली खबर आई है, स्वस्थ गर्भ मोबाइल ऐप फॉर प्रेग्नेंट वीमेन। महिलाएं, गर्भवती महिलाएं जिनको जरूरत होती है आपका, ऑन डेली बेसिस तो नहीं कहूंगा लेकिन हाँ, आए ना आए दिन को किसी तरह की केयर की, मेडिकल कंसल्टेशन की जरूरत होती है, डॉक्टर से मिलने की जरूरत होती है, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए यहां पर स्वस्थ गर्भ नाम की एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है आपकी। IIT रुड़की ने यहां पर हाथ मिलाया है एम्स दिल्ली के साथ, इनके साथ मिलकर यहां पर स्वस्थ गर्भ नाम की एक एप्लीकेशन यहां पर लॉन्च की गई है, जो कि एक अपने आप में पहली प्रेगनेंसी एप्लीकेशन है जहां पर इमीडिएट आप यहां पर डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं। इस एप्लीकेशन के थ्रू, टेली कंसल्टेशन के थ्रू यहां पर डॉक्टर से आप एडवाइस ले सकते हैं और इमीडिएट आपके लिए डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे। यह है स्वस्थ गर्भ, किसके द्वारा शुरुआत की गई, IIT रुड़की, और साथ में कौन है, एम्स दिल्ली। IIT रुड़की, एम्स दिल्ली दोनों ने मिलकर स्वस्थ गर्भ की शुरुआत की है, जो कि एप्लीकेशन है गर्भवती महिलाओं के लिए है, और ये अपने आप में पहली ऐसी एप्लीकेशन है जहां पर आपका इमीडिएट एक्सेस मिलेगा आपका डॉक्टर्स के, डॉक्टर से आप यहां पर इमीडिएट मिल सकते हैं, राइट।
बात कर सकते हैं। अगली खबर उत्तराखंड से आई है। उत्तराखंड सरकार यहां पर वर्ल्ड क्लास काइकिंग कैनोइंग एकेडमी तिहरी में ओपन करने जा रही है। अभी हाल ही में इसी जगह पर यहां पर तिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप का आयोजन किया गया तिहरी लेक में, और ये आपकी काइकिंग से संबंधित एक वाटर स्पोर्ट्स यहां पर हुआ था, और ये अपने आप में पहली बार ऐसा कोई वाटर स्पोर्ट्स इवेंट यहां पर उत्तराखंड के तिहरी में हुआ था। और इसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर एक वर्ल्ड क्लास लेवल का काइकिंग का यहां पर एक एकेडमी जो है वो सेटअप की जाएगी। ओके, तो एग्जाम पॉइंट से ये पूछेंगे कि वर्ल्ड क्लास लेवल की काइकिंग की जो एक एकेडमी है, ट्रेनिंग एकेडमी समझ लीजिए, स्पोर्ट्स एकेडमी समझ लीजिए, वो कहां पर ओपन की जा रही है? तिहरी में की जा रही है, उत्तराखंड में की जा रही है, राइट। और हाल ही में तिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप, अब ऐसे पूछेंगे तिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप कहां हुआ था, तो तिहरी तो पूछेंगे नहीं, स्टेट पूछ सकता है, तो पूछ सकते हैं तिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप कहां हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड में जगह है आपकी तिहरी, नाम की तिहरी लेक है वहां पर, ठीक है। अगली खबर, आपने कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया था आपको इनकोवैक नाम की एक वैक्सीन के बारे में, मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, काफी महीने पहले की खबर आई थी एक, जिसमें ये अप्रूव की गई थी, या शायद पिछले महीने की खबर थी, जिसमें इसको अप्रूवल दिया गया था, और ये इंडिया की पहली नेजल कोविड वैक्सीन है। नेजल यानी कि नाक के रास्ते से यहां पर आप ले पाएंगे, मतलब इंजेक्शन नहीं लगा पाएंगे, काफी लोगों को इंजेक्शन से डर लगता है, तो इंजेक्शन का डर अब नहीं है, अब इसको आप इस्तेमाल कर पाएंगे, नाक के रास्ते मेडिसिन ली सकती है। इसको वैसे जब शुरुआत की गई थी इसको एज अ बूस्टर डोज लिया गया था, मतलब जिनकी दो डोजेस लगी हुई हैं कोविड की, उसके बाद बूस्टर डोज काफी लोग लगवा रहे हैं, तो उसके पर्पस से इसको शुरुआत की गई थी, लेकिन लेटर ऑन फिर इसको यहां पर जो डोज वन होता है, डोज टू होता है, उसके लिए भी यहां पर अप्रूवल दिया गया, और फिलहाल ये इनकोवैक जो है अब मार्केट में अवेलेबल होने जा रही है। लेकिन इसके लिए आपको एक प्राइस पे करना पड़ेगा, जिसमें आपके लिए अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाकर इनकोवैक को इस्तेमाल करते हैं, आप यूज करते हैं, तो आपको उसके लिए 325 रुपीज प्लस जीएसटी देना पड़ेगा, और अगर प्राइवेट में जाते हैं तो 800 रुपए प्लस जीएसटी इसकी दवाई की कीमत बताई गई है। यह आपकी कोविन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप उस पर यहां पर रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। एंड इनकोवैक वॉज डेवलप्ड इन द पार्टनरशिप विद द वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी सेंट लुइस के साथ मिलकर बनाई गई है, भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा। भारत बायोटेक कंपनी ने यहां पर किसके साथ मिलकर, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी सेंट लुइस इनके साथ मिलकर इनकोवैक को यहां पर प्रोड्यूस किया है, बनाया गया है। तो इंडिया की सबसे पहली यहां पर इंटरनेशनल वैक्सीन कौन सी है, इनकोवैक है। किसके द्वारा बनाई गई, भारत बायोटेक, किसके साथ मिलकर, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी सेंट लुइस के साथ मिलकर बनाई गई है इसको। ओके, इसकी कीमत 325 रुपए गवर्नमेंट ने, 800 रुपए प्राइवेट सेक्टर में कीमत इसकी रखी गई है, आप जाकर इसको यूज कर सकते हैं एज अ बूस्टर डोज, या फिर कोविड वन डोज या टू डोज, किसी तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं। मारुति ड्रोन टेक प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद बेस्ड ड्रोन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरर, हैज रिसीव्ड द टाइप सर्टिफिकेशन अप्रूवल फ्रॉम द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ओके, सो ये चीज आपकी यहां पर डीजीसीआई के द्वारा हाल ही में एक अप्रूवल अभी हाल ही में दिया गया था। ओके, ड्रोन जो था, किसान ड्रोन्स को यहां पर दिया गया था, हमने पढ़ा भी था उसको, वो इसी तर्ज पर यहां पर एक और अप्रूवल दिया गया है, एक और सर्टिफिकेशन दिया गया मारुति ड्रोन्स एजी 365 को। एक और ड्रोन्स है एजी 365, मारुति कंपनी के ड्रोन्स हैं यहां पर, इनको भी यहां पर अप्रूवल दिया गया है इसका। और इस अप्रूवल के साथ ही साथ अब इस अप्रूवल से उनको फायदा क्या होगा, इस अप्रूवल से उनको फायदा यह होगा कि अब यहां पर मारुति के ड्रोन्स हैं वो ट्रेनिंग वगैरह में इस्तेमाल किए जा सकेंगे। ये ट्रेनिंग के लिए किए जाएंगे यूज, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में, रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह वगैरह। साथ ही साथ इसके साथ ही साथ अब वो जो ड्रोन्स हैं, अगर आप उनको खरीदते हो इन पर्टिकुलर ड्रोन्स को, तो आपको 10 लाख रुपए तक का अनसिक्योर्ड लोन, यानी कि बिना किसी सिक्योरिटी को रखे, गिरवी चीज रखे हुए, अब 10 लाख रुपए का लोन यहां पर 5-6% के बीच में प्राप्त कर सकते हो, और इवन आपको सब्सिडी मिल सकती है जो कि 50-100% के बीच की होती है, 50-100% गवर्नमेंट इसको खरीदने में आपको सब्सिडी देगी। लेकिन ये जो ड्रोन है, बेसिकली ये ड्रोन आपको एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं है आप उड़ा रहे हैं, आप अपनी वीडियो बना रहे हैं, शादी की वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, घूमने जा रहे हैं, वो वाला ड्रोन नहीं है, ये एग्रीकल्चर पर्पस से आप इसको इस्तेमाल करेंगे। तो और ये इंडिया का पहला मल्टी यूटिलिटी एग्रीकल्चर मीडियम कैटेगरी ड्रोन आपका बना है, जिसको इस तरह का सर्टिफिकेशन दिया गया है। इसके अलावा रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का भी अप्रूवल यहां पर
मिल चुका है, इस चीज के लिए भी अप्रूवल है कि भाई साहब पायलट ट्रेनिंग देनी है, तो वो चीज भी ये कर पाएंगे। तो एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन कि किसको यहां पर अप्रूवल मिला है हाल ही में डीजीसीआई के द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन ड्रोन्स का, तो मारुत ड्रोन्स एजी 365 याद रखना इसको मिला है। किस चीज का अप्रूवल, एक तो ट्रेनिंग का, पायलट ट्रेनिंग का अप्रूवल मिला है, और दूसरा इसको जो सर्टिफिकेट मिला उसका फायदा क्या, उसका फायदा यह है कि 10 लाख रुपए तक का तो अनसिक्योर्ड लोन 5-6% के ब्याज पर जो भी इसको ड्रोन को खरीदेगा एग्रीकल्चर पर्पज से उसको यूज करेगा, और साथ ही साथ उनको 50-100% की सब्सिडी, यानी कि आपने पैसा से लोन लगा लोन लेकर आपने ड्रोन खरीद लिया और लेटर ऑन आपका मान लीजिए 10 लाख का लोन लिया, तो हो सकता है अगर 50% सब्सिडी मिले तो 5 लाख रुपए आपको भारत की सरकार के द्वारा आपको आपके लोन में चुका दिए जाएंगे। आपको केवल और केवल फाइनल पेमेंट 5 लाख प्लस जो भी ब्याज बनेगा वो आपको करनी है। एक बार जो प्रिंसिपल अमाउंट है आधा 50-100% डिपेंडिंग अपॉन योर एलिजिबिलिटी वो भारतीय सरकार आपको चुकाएगी, आपको नहीं चुकाएगी, आपके लोन में पैसा डाल देगी, आपका लोन अमाउंट जो है वो कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में गए आपने सीधा पेमेंट करके उसको खरीद लिया और सरकार से आप सब्सिडी मांग रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। सरकार सब्सिडी तभी देगी जब आप लोन के रूप में उस पैसे को लेंगे, ठीक है, वो आप किसी बैंक से ले सकते हैं जो भी बैंक इसको ड्रोन्स के लिए यहां पर फैसिलिटी लोन फैसिलिटी देता है, ठीक है, ओके आगे चलते हैं। भाई ड्रोन पूछ रहे हो, ड्रोन नहीं देखा यार, वो हवा में छोटा सा उड़ता नहीं है जो जिसके नीचे कैमरा लगा होता है इस्तेमाल करते हैं, नीचे रिमोट से हम उड़ाते हैं, कोई पायलट नहीं होता है ना, वो होता है ड्रोन। फर्स्ट बिकाल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल केरला में चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने इनॉग्रेट किया है 10 दिन चलने वाला पहला इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल जो कि यहां पर रहेगा, कहां पर रहेगा, बिकाल बीच पार्क, बिकल बीच पार्क में यहां पर रहेगा, ठीक है। अब ये बिकाल है या बेकल है जो भी प्रोनाउंसिएशन है इसकी, है ना, तो उस प्रोनाउंसिएशन में मत जाएगा। अभी भी जैसे मैंने तेहरी बोला तो किसी ने लिखा सर तेहरी नहीं है वो टिहरी है, ठीक है, नाम मैंने गलत बोला, शुरुआत का सुश्रुत या सुश्रुत का शुरुआत बोला वो गलती मान सकता हूँ, एक प्रोनाउंसिएशन की गलती तो गलती नहीं मानी जानी चाहिए, है ना। तो जैसे अब मेरी दादी थी जब, खैर अब इस दुनिया में नहीं है, तो मुझे कपिल नहीं बोलती थी, मुझे कपल बोलती थी, अब उनको बार बार मैं उनको प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ना ठीक कर रहा हूँ, वो उनकी मर्जी है, उनका प्यार है, उस तरह से बोला वो कपल बोलती थी जब उन कपिल नहीं बोला जाता था, तो ऐसी गलतियां तो मत निकाला करो यार, ठीक है। तो बिकाल या बेकल बीच पार्क जो भी है ये यहां पर बेसिकली एक इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल केरला में आयोजित किया गया है, चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन के द्वारा इसको किया गया है, 10 दिन का फर्स्ट इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल यहां पर। इट शोकेसेस द कंट्रीज रिच कल्चर डाइवर्सिटी एंड मैग्निफिशेंस इन मैजेस्टिक बेकल बीच पार्क। ओके, बेसिकली कुछ खास नहीं है, सिंपल एक पहला इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल यहां पर आयोजित किया गया, केरला के बेकल नाम का जो बीच है वहां पर आयोजित किया गया, सिंपल सी बात यही है। इसमें ज्यादा ये पूछेंगे बेकल बीच पार्क या बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल कहां पर, कौन से स्टेट में है, केरला में है, बस इतना ही इसमें क्वेश्चन का उत्तर बन सकता है, ठीक है, ओके चलिए आगे चलते हैं। TNFD एंड HCL फाउंडेशन ज्वाइंट फॉर डेब्रीज फ्री गल्फ ऑफ मन्नार। ओके, गल्फ ऑफ मन्नार, उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा गल्फ ऑफ मन्नार कहां पे है, अगर नहीं पता तो मैं एक जस्ट वैसे ही आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन क्रिएट कर देता हूं कि जब हम यहां पर रामेश्वरम साइड से नीचे, अगर राम कथा कहीं सुनी होगी, रामायण सुनी होगी, तो आपको पता होगा रामेश्वरम से हमारे जो राम भगवान थे उन्होंने लंका की तरफ रवाना हुए थे, है ना, तो वो जो बीच का एरिया है आपका, वो बीच वाला एरिया जो है वो यहां पर आपका मन्नार वाला एरिया कहलाता है, ठीक है। तो ये है तमिलनाडु, मतलब समुद्र वाला एरिया, है ना। तो तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज ज्वाइंट हैंड्स विद दी HCL फाउंडेशन के साथ, HCL फाउंडेशन जो कि CSR आर्म है HCL टेक की। कल भी एक न्यूज आई थी जिसमें मैंने SBI की SBI फाउंडेशन के बारे में बात की थी, आज हम HCL टेक की HCL फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, दोनों सेम ही है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उनकी आम है जो कि कंपनीज एक्ट के तहत आपका करना कंपल्शन है, 2% ऑफ देयर प्रॉफिट कंपनी को यहां पर एक किस सोशल एक्टिविटीज के लिए देना है, तो ये कंपनीज अपनी एक डिपार्टमेंट अलग से बना देती है, कंपनी ये पैसा उनको दे देती है और वो पैसा फिर धीरे धीरे इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है। तो तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हाथ मिला है HCL फाउंडेशन के साथ, और इसके तहत वो क्या करेंगे, इसके तहत जो घोस्ट नेट्स हैं और मैरीन डेब्रीज हैं गल्फ ऑफ मन्नार में, जो कि यहां पर एक नेशनल पार्क भी है तमिलनाडु में,
उस एरिया को यहां पर घोस्ट नेट और मैरिन डेब्रिज की समस्या को निपटने के लिए काम करे। अब घोस्ट नेट और मैरिन डेब्रिज क्या हुआ? घोस्ट नेट कोई ऐसा नेट नहीं है जो भूत आता है और मछलियों को पकड़ता है, नहीं, ये घोस्ट नेट है। इनकेस बहुत सारे मछुआरे हैं वहां पर अपनी रोजी रोटी के लिए मछलियों पर डिपेंड रहते हैं, फिशरीज पर डिपेंड रहते हैं, मछली पालन पर डिपेंड रहते हैं, तो ऑब्वियस जो मछली पकड़ने जाते हैं तो बहुत सारा ऐसा सामान है जो वो लेकर जाते हैं साथ में। और हमें मालूम है कि बहुत बार मान लीजिए उनका नेट जो है खराब हो गया या नेट कहीं नीचे फंस गया, उनके हाथ से छूट गया, वो तो नीचे चला जाएगा, वहां पर समुद्र में चला जाएगा और हो सकता है बह भी रहा हो कहीं पर। और मैरिन डेब्रिज कचरा वचरा जो हम फेंक देते हैं समुद्र में या समुद्र में अनइंटेंशनली चला जाता है, तो वो मैरिन डेब्रिज हुई यहां पर। तो इन दोनों चीजों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है एक प्रकार से कचरे के रूप में, और घोस्ट नेट तो बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि वो अगर मूवमेंट कर रहा है कहीं पर जाल तो काफी सारे जो हमारे एनिमल्स हैं मैरिन एनिमल्स हैं उनको नुकसान भी पहुंच सकता है, और खैर मैरिन डेब्रिज से भी उनको नुकसान पहुंचता है। अब आपके घर में कोई कचरा फेंक के चला जाए, आप सारे दिन बदबू में, आप बदबू थोड़ी ना सहते रहोगे, आपको तकलीफ तो होगी होगी। वैसे ही समुद्र उनका घर है, हम उसके अंदर कचरा फेंक रहे हैं तो उनको तकलीफ हो ही रही है, ऑब्वियस है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बात है, आप फील कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आपके घर में कोई कचरा फेंक जाए और ढेर सारा कचरा फेंक जाए तो आपको कैसा लगेगा, ठीक है। सो घोस्ट नेट और मैरिन डेब्रिज काफी बड़ी समस्या है उस एरिया की। इससे निपटने के लिए यहां पर तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहां पर क्या किया है, हाथ मिला है HCL फाउंडेशन के साथ। बेस लाइनिंग एंड मैरिन डेब्रिज रिमूवल विल बी डन बाय द गल्फ ऑफ मन्नार मैरिन बायोस्फीयर रिजर्व के द्वारा, ये चीज यहां पर की जाएगी। गल्फ ऑफ मन्नार मैरिन बायोस्फीयर रिजर्व के द्वारा यहां पर ये डेब्रिज रिमूवल का काम किया जाएगा। गल्फ ऑफ मन्नार मैरिन बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो पहला मैरिन बायोस्फीयर रिजर्व है साउथ और साउथ ईस्ट एशिया का, और साथ ही साथ यहां पर इट इज प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ 21 स्मॉल आइलैंड्स एंड एडजेसेंट कोरल रीफ्स इन द गल्फ ऑफ मन्नार इन इंडियन ओशियन। ओके, तो ये आपका एक प्रोटेक्टेड एरिया भी है जो कि 21 छोटे छोटे आइलैंड से बना हुआ है। एंड द गल्फ ऑफ मन्नार मैरिन बायोस्फीयर रिजर्व वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द रामसर साइट, रामसर साइट के रूप में इसको अगस्त 2022 हाल ही में इसको दर्जा भी दिया गया था। ओके, तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी, किसने किसके साथ हाथ मिला है। तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने HCL फाउंडेशन के साथ हाथ मिला है, पहला मैरिन बायोस्फीयर रिजर्व साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया का, 21 स्मॉल आइलैंड्स यहां पर आपके छोटे छोटे, और रामसर साइट अगस्त 2022 में इसको बनाया गया था, ठीक है। चलिए अगली न्यूज पढ़िए, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉल है मैं करके आता हूं, बहुत जरूरी है।
ओके, तो आई होप ये न्यूज़ आपने पढ़ ली होगी, है ना। न्यूज़ मैं ओवरऑल एक बता देता हूँ ऊपर ऊपर से क्या है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड साइन द एमओयू विद द सेंट्रल ट्यूबरक्लोसिस डिवीजन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने के लिए इंडियन ऑयल ने एमओयू साइन किया सेंट्रल टीबी डिवीजन के साथ। यहाँ पर एक एमओयू साइन किया गया है, राइट और ये आपका विजन है टीबी। अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि टीबी का जो एक टारगेट रखा गया 2030 का पूरी दुनिया के द्वारा कि 2030 तक हम टीबी एलिमिनेट करेंगे, इंडिया के द्वारा 2025 टारगेट रखा गया है, ठीक है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। दिस एमओयू फॉर एंटी टीबी कैंपेन वॉज साइंड एज अ पार्ट ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेम वही चीज आपके से आ गई। और इसमें यहां पर केसेस के बारे में बात की गई, 75 डिस्ट्रिक्ट यूपी में कवर किया जाएगा उनको, जो कि 10% पॉपुलेशन होगी वंस अ ईयर फॉर 3 इयर्स, और बाकी यहां पर ये मशीन जो भी है प्रोवाइड की जाएंगी टू ऑल द टीबी यूनिट्स ऑफ द 8 एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द यूपी, राइट। चलिए अगली न्यूज है, इंडियन फर्म हैज बैग्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी फॉर अ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट एट द मोंगला पोर्ट, सेकंड लार्जेस्ट सी पोर्ट है बांग्लादेश में। तो सेकंड लार्जेस्ट सी पोर्ट बांग्लादेश में जो है वहां पर आपका एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट मोंगला पोर्ट, मोंगला पोर्ट जगह का नाम है मोंगला पोर्ट, ठीक है। ये सेकंड लार्जेस्ट सी पोर्ट है बांग्लादेश का। इस बांग्लादेश के पोर्ट पे काम करने के लिए, उसको सही तरीके से बनाने के लिए, अपग्रेड करने के लिए इंडिया की एक फर्म जो कि है यहां पर आपका EGIS इंडिया कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, इसको वहां का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है यहां पर आपका। और इसमें यहां पर EGIS इंडिया कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड इस मोंगला पोर्ट को यहां पर बनाएगी, उसको यहां पर सही अपग्रेड करेगी, और इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए यहां पर इंडिया के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर $4.5 बिलियन यहां पर जो है बांग्लादेश को भी दिए गए हैं लोन के फॉर्म में। $4.5 बिलियन यहां पर दिया गया है इसको, एंड ये है $4.5 बिलियन बांग्लादेश, राइट, इंडिया के द्वारा। वंस अपग्रेडेड द मोंगला पोर्ट विल सर्व द बिजनेस इंटरेस्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो ऑब्वियस है, जब बांग्लादेश में कोई पोर्ट बन रहा है तो इंडिया उसके लिए क्यों कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि वो एरिया ऐसा है। तो अगर इनकेस इंडिया के शिप्स को कहीं पर बाहर जाना है तो वहां तक जा सकते हैं, फिर वहां रुक कर अगले कंट्री में जा सकते हैं, तो इस तरह से थोड़ी बहुत मदद हो जाती है। और ऑब्वियस है, जब आप उनकी मदद करते हो तो वो आपकी शिप्स को प्रायोरिटी भी देते हैं हर एक चीज में, पहले निकलने में और भी काफी सारी चीजों में। तो इसी के लिए इंडिया इसकी मदद कर रहा है। मोंगला पोर्ट लोकेशन याद रखिएगा, बांग्लादेश का पोर्ट है। पूछ सकता है डायरेक्टली मोंगला पोर्ट कौन से देश से संबंधित है, बांग्लादेश से संबंधित है, इस तरह का क्वेश्चन भी। और कंपनी का नाम याद कर लिया, EGIS इंडिया कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड बांग्लादेश, और अमाउंट कितनी है $4.5 बिलियन। अगली फॉर्म है, अगली न्यूज भी यहां पर बांग्लादेश से आती हुई, बांग्लादेश की यहां पर शेख हसीना वाजिद जो है, इन्होंने इनॉग्रेट किया फर्स्ट एवर मेट्रो सर्विस इन ढाका। बांग्लादेश में अभी तक मेट्रो सर्विस नहीं थी, लेकिन अब बांग्लादेश में भी मेट्रो सर्विस की शुरुआत हो चुकी है। ये जो सर्विस हुई है ढाका में, इसकी शुरुआत हुई है और ये पहली बार हुई है, और ट्रेन को, मेट्रो ट्रेन को और मेट्रो के सफर को मदद की है इसकी शुरुआत करने में जापान ने इसकी मदद की है बांग्लादेश की इसमें। और ये जो शुरुआत की गई है ये है दियाबारी और अग्रगांव स्टेशन, दियाबारी जगह से यहां पर अग्रगांव स्टेशन तक ये मेट्रो ट्रेन जाएगी। मेट्रो रेल बांग्लादेश के प्रोजेक्ट जो कि मास रैपिड ट्रांजिट एक इनके द्वारा प्रोजेक्ट है, जो कि 2030 तक इन्होंने अपने पूरे सिटीज को यहां पर कनेक्ट करना है मेट्रोज के थ्रू, तो उस प्रोजेक्ट के तहत यहां पर इसकी शुरुआत की गई है। मेट्रो रेल इज बिल्ड विद फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम जापान की मदद से, और ये 2030 तक जो मेट्रो रेल नेटवर्क ये कंप्लीट कर लेंगे, कवरिंग अ टोटल ऑफ 139 किलोमीटर का जो एरिया है, 139 किलोमीटर की पटरियां यहां पर, मेट्रो लाइंस यहां पर बिछाई जाएंगे, जिसमें 61 किलोमीटर जो है वो अंडरग्राउंड रहेगा। तो ये बांग्लादेश में मेट्रो की शुरुआत हुई है। एग्जाम्पल से पूछ सकते हैं हाल ही में कौन से हमारे पड़ोसी राज्य में मेट्रो रेल नेटवर्क की शुरुआत की गई है। राइट आंसर क्या रहेगा, सही उत्तर रहेगा आपका इसका बांग्लादेश सही उत्तर रहेगा। ये लोकेशन याद रख लेगा, दईबारी और अग्रगांव, ठीक है। कब तक कंप्लीट करेंगे, 2030 तक कंप्लीट करेंगे। कितने किलोमीटर की यात्रा है यहां पर, 139 किलोमीटर यहां पर रेल की पटरियां इन्होंने बिछानी है। तो ये है आपका बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद ने इसको यहां पर शुरुआत की। अगला है मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। सो मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है ये एक ऐसा पावर प्रोजेक्ट है जो कि यहां पर इंडिया ने
भूटान के लिए यहां पर किया है, भूटान की मदद के लिए इंडिया के द्वारा इसमें कंट्रीब्यूट किया गया, बनाया गया और इसको अब हैंडओवर कर दिया गया भूटान को, ताकि वो वहां पर अपने लेवल पर उससे बिजली प्रोड्यूस कर सकें। तो ये यहां पर रिसेंटली हैंडओवर किया गया ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन इन भूटान, 720 मेगावाट का यहां पर यह मांग देचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, जो कि यहां पर इंडिया की मदद से इसको बनाया गया है। और इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को यहां पर हैंडओवर करने के बाद इंडिया के द्वारा 4 ऐसे मेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, जो कि इंडिया के द्वारा उनमें कंट्रीब्यूशन किया गया भूटान के लिए, ठीक है। इसके लिए यहां पर इस प्रोजेक्ट को यहां पर इवन ब्रूनेल मेडल 2020 भी दिया गया था फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स लंदन के द्वारा, क्योंकि ये जो बनाया गया था जिस तरीके से सिविल इंजीनियरिंग का एक बड़ा एक नमूना एक अलग से कुछ पेश किया गया था, जिसके लिए एक एक्सीलेंस अवार्ड टाइप इनको ब्रूनेल मेडल लंदन के द्वारा यहां पर दिया गया। द बायलेटरल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, ये 1961 में इंडिया और भूटान के बीच में, जो मैंने आपको कहा ना कि ये चौथा यहां पर ऐसा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये भूटान और इंडिया के बीच में इस तरह के प्रोजेक्ट 1961 में जो समझौता हुआ था उसके तहत ये किया गया था, जो कि कहलाता है जल ढाका एग्रीमेंट। जल ढाका एग्रीमेंट जो था, और जल ढाका जो प्रोजेक्ट था वो वेस्ट बंगाल में स्थित था, विद द हाइड्रो पावर जनरेटेड फ्रॉम प्लांट जो थी वो यहां पर भूटान को एक्सपोर्ट किया जाता था, वहां से बिजली जो है भूटान को प्रोजेक्ट के तहत बिजली सप्लाई की जाती थी। एंड भूटान का पहला उसके बाद मेगा पावर प्रोजेक्ट 336 मेगावाट का चुकना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वाज फुल्ली फंडेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। अब आप कहोगे सर इंडिया इसको इतना पैसा क्यों दे रही है, वही बात पड़ोसी राज्य है, तो पड़ोसी देश है हमारा, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, पड़ोसी पड़ोसी काम आता है ना। आपकी लड़ाई किसी और आगे वाले घर में किसी पड़ोसी से हो तो अब उसके पड़ोसी को अपना दोस्त बना ले तो फिर वो एक हो जाता है ना कि चलो कोई बात नहीं, जब लड़ाई होगी तो साथ देने कोई बीच वाला पड़ोसी तो आ जाएगा ना। तो इसलिए भूटान, आप सबको पता है कि एक जो लोकेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है चाइना से सटता हुआ, और हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि इनके इस कभी मदद की जरूरत पड़े तो उस भूटान के एरिया से जाकर भी हम यहां पर चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे सके। तो ये इसलिए किया जाता है सब चीजें। ओके, सो ये है 720 मेगावाट का प्रोजेक्ट मांग देचू, किससे संबंधित है, भूटान से संबंधित है, भूटान को हैंडओवर किया गया, चौथा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट यहां पर था, ये था यहां पर चुकना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, चुकना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था यहां पर, ठीक है। और इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी, जब हमारे इंडिया की तरफ से वेस्ट बंगाल से उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी शुरू की गई थी 1961 में, एक प्रोजेक्ट के तहत जिस प्रोजेक्ट का नाम था जल ढाका एग्रीमेंट जो किया गया था, इसके तहत उनको बिजली सप्लाई करनी थी। उसके बाद उनको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट खुद का बना के दिया चुकना में, और उसके बाद अब जाकर चौथा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है इंडिया उनको भूटान को बनाकर दे रहा है, मांग देचू जगह है आपकी वहां के। ओके, अगली खबर है एडीबी ने यहां पर अप्रूव किया $125 मिलियन लोन, तमिलनाडु का यहां पर लोन दिया गया है, ठीक है, $125 मिलियन का लोन दिया गया है यहां पर तमिलनाडु को। आई थिंक वॉइस सही होगी, वीडियो बफर हो रहा है लेकिन आवाज सही होगी, ठीक है। तो ये एडीबी के द्वारा लोन दिया गया $125 मिलियन का तमिलनाडु को। ओके, लोन एग्रीमेंट, मैं नेट कनेक्शन चेंज ही करवा रहा हूँ एक दो दिन में यार, है ना, एक है पहले मेरे पास था, चलो मैं कराता हूँ एक दो दिन में, बस वो ये मंथ खत्म हो जाए, बिल पेमेंट निकल जाए, बस नेक्स्ट मंथ से नेट कनेक्शन चेंज कर देता, क्योंकि नेट कनेक्शन दिक्कत आ रही है काफी दिन से आ रही है। $125 मिलियन लोन एग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डेवलप द क्लाइमेट रेजिलिएंट सीवेज कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट अलोंग विद द ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई सिस्टम, तीन सिटीज कोयम्बटूर मदुरई एंड थोतीकुड़ी, तीन जगहें हैं तमिलनाडु में, इनके यहां पर ड्रेनेज सिस्टम वाटर सप्लाई सिस्टम सीवेज सिस्टम को और बेहतर करने के लिए एडीबी के द्वारा $125 मिलियन का लोन दिया जाना तय किया गया है। दिस इज द थर्ड एंड द लास्ट ट्रांच ऑफ द $500 मिलियन मल्टी ट्रांच फाइनेंसिंग फैसिलिटी फ्लैगशिप प्रोग्राम, जो कि अप्रूव किया था एडीबी के द्वारा 2018 में। तो 2018 में ये यहां पर फाइनेंसिंग फैसिलिटी जो थी वो अप्रूव की गई थी एडीबी के द्वारा, ये फाइनेंसिंग फैसिलिटी 2018 में अप्रूव की गई थी। ओके, और उसी का ही यहां पर आपका ये पार्ट है, उसी का ये पार्ट है यहां पर आपका ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट यहां पर। ओके, एडीबी ने इसको अप्रूव कर दिया है
तीन जगहों के लिए, कोयम्बटूर, मदुरई एंड दी थोथुकुड़ी तमिलनाडु, $500 मिलियन का ये पूरा प्रोजेक्ट था, जिसके तहत $125 मिलियन अब जाकर इनके द्वारा दिया गया है। और उसके तहत यहां पर 10 सिटीज तमिलनाडु की कवर की जानी थी, अब ये 125 मिलियन में तीन सिटीज कवर की जाएंगी। तीसरा ट्रांच जो था वो कोयम्बटूर, मदुरई और थोथुकुड़ी के लिए है। ये एडीबी का यहां पर स्टैटिक फैक्ट आपके सामने हो गया। तो ये है $125 मिलियन का लोन एडीबी के द्वारा यहां पर दिया गया है तमिलनाडु के तीन सिटीज को। ये आखिरी ट्रांच है 2018 के लोन का। ओके, आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ओन्ड वैपकोस रैंक्ड एज टॉप कंसल्टिंग फर्म बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, सो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा रैंक दिया गया है इंडिया के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी वैपकोस को एज द टॉप अमंग्स द कंसल्टिंग सर्विस फर्म्स इन वाटर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर विद द हाईएस्ट सैंक्शन फाइनेंस अमाउंट। तो ये क्या है, ये इंडिया की कंपनी है वैपकोस नाम की, वैपकोस नाम की कंपनी है जो कि काम क्या करती है, जो कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी, सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, जैसे L&T है, जैसे अभी हमने एक कंपनी का नाम पढ़ा था जिसने बांग्लादेश में पोर्ट बनाया है, तो इस तरह का काम करने वाली कंपनी है वैपकोस भी। ये वैपकोस इंडिया की पब्लिक सेक्टर कंपनी है, यानी कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है यहां पर आपकी, और ये 1969 में एस्टेब्लिश की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अंडर। ठीक है, ओके, ताकि वाटर रिसोर्सेज को यहां पर बड़े सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए उसकी टेक्नोलॉजी के थ्रू यहां पर आपका, इसके लिए कंपनी आपकी बनाई गई थी। 1979 में इसका नाम चेंज करके वाटर एंड पावर डेवलपमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड से वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड कर दिया गया था। ओके ओके, ठीक है, तो डेवलपमेंट शब्द हटा दिया गया था, बाकी एज इट इज रखा गया था। तो ये अब जो कंपनी है, ये तो खैर नीचे इतना कुछ कंपनी के बारे में लिखा हुआ है, न्यूज तो केवल इतनी है। तो न्यूज ऐसी है कि इस कंपनी को यहां पर वैपकोस को एडीबी के द्वारा रैंकिंग दी गई है, उनको द्वारा ये कहा गया है कि ये टॉप कंसल्टिंग फर्म है। ठीक है, ये सबसे बढ़िया कंपनी काम कर रही है इस फील्ड में, अपना काम कर रही है बढ़िया तरीके से वाटर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में। वैपकोस नाम की कंपनी एडीबी के द्वारा इसको यहां पर टॉप क्लास का दर्जा दिया गया है। ओके, चलिए, महिमा स्वामी ज्वाइन द यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क। सो महिमा स्वामी एक इंडियन साइंटिस्ट है, इनको हैज बीन चूजन, इनको चुना गया है किसमें, इनको चुना गया है यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में। सो इस पर्टिकुलरली यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में इनको यहां पर चुना गया है, और इनको यहां पर चुना गया है इनके फील्ड के लिए, ये इम्यूनोलॉजी फील्ड में यहां पर काम कर रही है, और इनको इस पर्टिकुलर फील्ड का, इस पर्टिकुलर नेटवर्क का एक यहां पर हिस्सा बनाया गया है। और इस पर्टिकुलरली नेटवर्क में ये जो यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क है, ग्रुप है, इसमें तकरीबन 24 रिसर्चर्स हैं पूरी दुनिया के, जो कि बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं अपने अपने फील्ड में, और इनको उस 24 रिसर्चर्स में पूरी दुनिया में से एक पर्सनैलिटी ये बनी है महिमा स्वामी, इंडियन साइंटिस्ट है यहां पर आपकी, और ये आपकी इस पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए चुनी गई। ये नाम याद रख लेना, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में किसको चुना गया, महिमा स्वामी को चुना गया है, महिमा स्वामी को। ये इस फील्ड में यहां पर 2023 से 2026 तक यहां पर इसकी मेंबर रहेगी। राइट, ओके, चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट का DIPR को मिला है अवार्ड फॉर इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन। सो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को ऑनर किया गया है इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड से, इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड से इनको नवाजा गया है फॉर टेकिंग पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स थ्रू डिजिटल मीडिया टू जनरल पब्लिक एंड बेनिफिशरीज। ओके, तो ये यहां पर इनको एक सम्मान दिया गया है, किस चीज का, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा DIPR, राजस्थान गवर्नमेंट के DIPR यहां पर राजस्थान गवर्नमेंट की बेसिकली क्या है, ये है डिपार्टमेंट, है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, DIPR। अब इसको सम्मानित क्यों किया गया इस अवार्ड से, और अवार्ड है ये वाला कौन सा है, इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन का, क्योंकि ये राजस्थान सरकार का डिपार्टमेंट अपने राज्य में बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन अलग अलग तरीके से स्प्रेड करता है, ताकि यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन है, गवर्नमेंट की कोई भी गाइडलाइन है, कोई भी पॉलिसीज है, कोई भी उनकी स्कीम्स हैं, तो उसको यहां पर
हरेक जन तक पहुंचाने की जिम्मेवारी इसने ली हुई है और ये हरेक जन तक उस इंफॉर्मेशन को पहुंचा के रहता है, चाहे वो कोई भी तरीका अपनाए। तो इसके लिए उनको सम्मानित किया गया, इनके कार्य के लिए, इनको सराहनीय कार्य के लिए इनको सम्मानित किया गया। डेली पब्लिसिटी मटेरियल आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप्स विद नियरली 20 लाख पीपल जो है व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्टेड है। हरेक पंचायत के वार्ड लेवल के, यहां पर वार्ड लेवल के मतलब गांवों तक इनकी पहुंच है। डीआईपीआर ने सुजुस मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई थी जिसमें सभी तरह के प्रेस नोट, स्पेशल आर्टिकल, सक्सेस स्टोरीज, इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ, ई बुलेटिन, वीडियो बुलेटिन, आवाज एंड लाइव प्रोग्राम जो भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो सुचारू बना सकते हैं स्कीम्स वीम्स, वो सब इस एप्लीकेशन के थ्रू उन तक पहुंचाई जाती है। तो इसी काम के लिए, इसी सराहनीय काम के लिए इनको यह सम्मान दिया गया है। इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन का अवार्ड राजस्थान गवर्नमेंट के डीआईपीआर डिपार्टमेंट को चुना गया है। विशाल मित्तल को मिला है प्रेस्टीजियस एम्बेसडर ऑफ चेंज अवार्ड। सो विशाल मित्तल इंडियन स्टूडेंट है एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में, इनको चुना गया है एम्बेसडर ऑफ चेंज अवार्ड के लिए उनके सराहनीय काम के लिए फॉर द स्टूडेंट मेंटर एंड कंट्रीब्यूशन टू द यूसी कम्युनिटी। ये बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा में स्टूडेंट है ऑस्ट्रेलिया में और वहां पर एक बहुत ही अच्छा काम कुछ कर रहे हैं, उनके काम के लिए उनके कामों को रिकॉग्नाइज किया गया और उनको उन 9 एम्बेसडर्स में शामिल किया गया। 9 पर्सन इन्होंने चुने हैं, उन 9 पर्सन में एक पर्सन बने हैं, नाम है विशाल मित्तल। दैट इज बैग्स द प्रेस्टीजियस एम्बेसडर चेंज अवार्ड कहा के लिए यह मिला है उनको यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ओके चलिए आगे चलते हैं। लेट विक्रम किर्लोस्कर डॉटर मानसी टाटा नेम डायरेक्टर ऑफ केसीपीएल जेवी फर्म्स। ओके, किर्लोस्कर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपॉइंट किया है मानसी टाटा लेट विक्रम किर्लोस्कर की बेटी को एज द डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ केसीपीएल ज्वाइंट वेंचर कंपनी विद इमीडिएट इफेक्ट। हाल ही में हमने एक न्यूज पढ़ी थी जिसमें विक्रम किर्लोस्कर जो कि इस ग्रुप के पूरे हेड थे उनका निधन हो गया था, अब उनकी बेटी ने उनकी जगह ली है। उनकी बेटी का नाम है मानसी टाटा, मानसी टाटा उनकी जगह आपकी ले रही है लेट विक्रम किर्लोस्कर की। इन जितनी भी इनकी कंपनीज है, ज्वाइंट वेंचर कंपनीज है, जो भी कंपनीज है, उन सब में यहां पर ये डायरेक्टर बनाई गई है, उनके बोर्ड पे उनकी जगह ये आएंगी। टोयोटा इंडस्ट्रीज इंजन्स लिमिटेड हो, किर्लोस्कर टोयोटा टेक्सटाइल मशीनरी हो, टोयोटा मटेरियल हैंडलिंग हो, या फिर डेंसो किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, ये सारी सारी कंपनीज में यहां पर आपका विक्रम किर्लोस्कर की जगह लेंगी। यहां पर उनकी बेटी को बनाया गया है डायरेक्टर उनके सभी सभी कंपनीज में। नाम याद रखे मानसी टाटा। ओके मेरे दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही था, उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा। ओके, बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास में भी मिलेंगे, वो भी करेंगे आज हम। और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन मैं कर दूं, कल आपको मैंने एक पोल किया था और उस पोल का रिजल्ट जो था, मैंने यही कहा था पोल के रिजल्ट के अनुसार चलूंगा, अगर पोल का रिजल्ट 1 तारीख का होता तो मैं 1 तारीख को मैराथन लेता, लेकिन पोल का रिजल्ट खैर बहुत कम मार्जिन से है, लेकिन स्टिल अगर हम मेजोरिटी की माने तो मेजोरिटी जो साथ में है वो है 8 तारीख को। तो 8 तारीख को मैं यहां पर आपकी मैराथन जो है वो मैं 8 तारीख को लूंगा, ठीक है। अब प्लीज कोई कमेंट मत करना सर, प्लीज 1 को ले लो, ये है वो है जो भी है यार। देखो ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं 1 तारीख को मैराथन लेता तो आप तभी देखते, मैं 8 को लूंगा आप देख नहीं पाओगे, ऐसा कुछ तो है नहीं, है ना, ऐसा नहीं है ना, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स का, काफी मेजर मेजोरिटी स्टूडेंट्स का 1 को एग्जाम है, तो वो थॉट कि नहीं यार क्यों डिस्टर्ब करना, ठीक है, क्योंकि माइंड में वो एक चीज चलती रहती, घूमती रहती, काश हम वहां होते, काश हम क्लास कर रहे होते, ऐसे ऐसे चीजें थॉट्स एग्जाम के दौरान नहीं आने चाहिए। तो इसलिए लेट्स नॉट गो इन टू दैट, क्योंकि ये क्लास मैं हमेशा कहता हूं मैराथन क्लास ऐसी क्लास होती है जो कि लाइव देखने में मजा आता है, बाद में रिकॉर्डिंग देखने में ना वो एक बोरियस ही महसूस होती है मैराथन 12 घंटे ही खासकर जब हो। तो इसलिए मैंने यही कहा, नहीं तो मैं हमेशा क्लास ले लेता हूं, मैं कभी टाइमिंग का वेट नहीं करता कि यार किसी को सूट कर रही या नहीं कर रही, क्योंकि मुझे पता रिकॉर्डिंग देख लोगे, लेकिन मैराथन इज ऑल अबाउट द लाइव सेशन, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा वो 8 तारीख को लूंगा, क्योंकि यार जो लोग 1 तारीख को देखने के तैयार थे वो 8 को तो देख ही लेंगे, और जो 1 तारीख को नहीं देख सकते तो वो भी देख लेंगे, तो फायदा है 8 तारीख को करने का। तो लेट्स फाइनलाइज इट, और मैंने इसका रीशेड्यूल कर दिया 8 तारीख को सुबह 9:30 बजे, यानी कि अगले संडे हम 12 घंटे की मैराथन में मिलेंगे। तब तक आपके पास समय है, इनकेस अपने लेवल पर रिविजन करना चाहते तो कर लीजिए, और मोर ओवर तब तक आपका कोई ना कोई एक रिजल्ट भी आ जाएगा, है ना। तो आपके लिए यहां पर एक सीरियसनेस का जो एक लेवल होता है वो बढ़ जाता है। अभी तक रिजल्ट नहीं आया प्रीलिम्स का, तो हमारे लिए सीरियसनेस लेवल उतना नहीं है, लेकिन वो सीरियसनेस लेवल तब बढ़ जाता है ना। तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से करेंगे, उम्दा तरीके से करेंगे, बने रहिएगा उस सेशन में। 8 तारीख को आप सबको आना है, एंड
टेलीग्राम चैनल जहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी, और अनअकैडमी पे जैसा मैं रोज बताता हूं आपको ऑफर चल रहा है 23% डिस्काउंट का, जो कि मैक्सिमम डिस्काउंट है अब तक का अनअकैडमी पे जो कि आया है कभी, तो 23% आपको ऑफ मिलेगा अगर आप बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तब भी, और अगर आप जीआईबी की सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तब भी, ठीक है। दोनों में आपको जो कोड इस्तेमाल करना है वो कोड आप इस्तेमाल कर सकते हो, न्यू ईयर